हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा मोटो G54 5G फ़ोन है, तो मोटो G54 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर कैसे अपने फ़ोन को आप कैसे रीस्टार्ट कर सकते हैं बिना बटन्स के। मोटो G54 फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर और फ़ोन को रीस्टार्ट आप कैसे कर पाएंगे मोटो फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर, तो आज हम बताने वाले हैं कि फ़ोन को रीस्टार्ट आप कैसे कर सकते हैं बिना बटन्स के मोटो G54 फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर। तो आज हम बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आइकन शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही सेटिंग्स पे जाना है। क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स से ओपन हो जाएगी, जिसका आप यूज़ करके अपने फ़ोन को रीस्टार्ट कर सकते हैं बिना बटन्स के। सिंपली देख सकते हैं कि सेटिंग शो हो रही है, तो आपको इसके लिए बस जाना होगा स्पेशल फंक्शंस पे। तो क्लिक करते ही स्पेशल फंक्शन सेटिंग ओपन हो जाएगी, जिसमें से आपको जाना होगा शॉर्टकट्स एक्सेसिबिलिटी पर। तो एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स पे जब आप क्लिक करते हैं, तो आप क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर फ़ोन को रीस्टार्ट कर सकते हैं। सिंपली बस आपको यहाँ से स्लाइड कर तो एक्सेसिबिलिटी मेन्यू पे चले जाना है, जिसमें एक्सेसिबिलिटी मेन्यू पे जाकर फ़ोन को आप रीस्टार्ट कर सकते हैं बिना बटन्स के। देख सकते हैं किस प्रकार से अपने फ़ोन को रीस्टार्ट कर सकते हैं, अपने फ़ोन को देख सकते हैं। सिंपली शॉर्टकट आइकन्स को अलाउ कर देना है, जिसमें से शॉर्टकट्स पे जाकर पावर आइकन्स पे जाकर इस ऑप्शंस पे क्लिक करके, ग्रीन ऑप्शंस पे क्लिक करके फ़ोन को आप रीस्टार्ट कर सकते हैं और बिना बटन्स के रीस्टार्ट कर पाएंगे। और चाहें तो पावर ऑफ शट डाउन भी कर सकते हैं, इमरजेंसी कॉल भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से फ़ोन को आप रीस्टार्ट कर सकते हैं मोटो G54 5G फ़ोन में, और रीस्टार्ट भी कर पाएंगे फ़ोन को। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें, वीडियोस को शेयर करें।